वेलकम टू डिस्कवरी एंड YCL. माई नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय, मैथ्स फैकल्टी. जैसे कि पता है कि डिस्कवरी एंड कोलाब्रेशन विथ YCL, यहाँ पर जो मैथ्स से रिलेटेड है जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, जैसे अभी करंटली अपना जो इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है, तो वही बात है कि इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, ताकि जो भी हमारे जो वीडियोज़ है वो तुम्हारे तक पहुँच पाए. तो जैसे कि हमने इंटीग्रेशन के अंदर वैसे स्टार्ट किया था कि बेसिक फंडामेंटल हमने पढ़े थे, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो भी इंटीग्रेशन है ना, किसी फंक्शन के इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ साथ अगर डिफरेंशिएशन भी होता है तो हम उसको किस तरीके से टेकल करते, तो वो सारी चीज़ें हमने क्या की थी इसके अंदर डिस्कस की थी. तो आज वही है, इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं. तो जो नेक्स्ट हम जैसे क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसके अंदर कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर होल ब्रैकेट एक्स की पावर 4 प्लस 1 इसकी होल पावर 3/4. देखो इस तरह के इंटीग्रेशन को, देखो इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन इसका JEE में भी आया हुआ है, वो थोड़ा दिखने में इस तरीके से, बस कॉन्सेप्ट यही लगाना है जो हम इसके अंदर लगाएंगे कि उसके अंदर जैसे देखो इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए सबसे पहले डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 इसकी होल पावर 3/4, इस तरह के फ्रैक्शन के अंदर जो इंटीग्रेशन होते हैं उसके अंदर सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर जो हाइएस्ट पावर होती है एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसके अंदर जो हाइएस्ट पावर होती है जैसे एक्स की पावर 4, उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, तो जो इंटीग्रेशन हमारा जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर तो था ही, अगर मैं इसके अंदर एक्स की पावर 4 हाइएस्ट पावर इसको बाहर ले लूँ तो यहाँ पर जैसे ही एक्स की पावर 4 बाहर आएगी तो यहाँ पर पावर इसको 4 से 4 कैंसिल आउट होकर एक्स की पावर 3 बाहर आने देगा और अंदर मिला 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4. देखो इसके पास एक्स की पावर 4 नहीं था तो मैंने इससे ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया, यानी कि एक्स की पावर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर 4 वाला जो फैक्टर था वो मैंने बाहर ले लिया, तो इसके अंदर रहा 1 अपॉन एक्स की पावर 4. अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके अंदर जो बचा हुआ है नेक्स्ट जो फंक्शन है इसको फाइनली क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो टी से, ताकि जो नेक्स्ट जो बचा हुआ है 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 5 वो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा. तो वही बात मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4, जैसे ही मैंने इसको टी अलर्ट किया फिर नेक्स्ट वही इसका हम मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है वो एक्स की पावर -4 ऊपर चला जाएगा इक्वल्स टू टी, तो -4 एक्स रेस्ट टू द पावर -5 डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया, डी टी बन गया. इसका मतलब -4 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 5 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ, देखो मेरे पास तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अवेलेबल है, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ डी टी अपॉन -4, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल्स टू डी टी अपॉन -4. इस तरीके से इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो जो अपना जो इंटीग्रेशन था वो कन्वर्ट हो गया इस तरीके से. इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5, ये डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 जो कन्वर्ट हो गया डी टी अपॉन -4, तो इस तरीके से ये यहाँ पर मिला 1 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू जो मिली है वो मिली है टी रेस्ट टू द पावर 3/4 इंटू डी टी, और ये जो पावर है -1/4 ये क्या हो गया, बाहर आ गया. इसी तरीके से यहाँ पर हो गया 1/4, -1/4 जैसे ही मैंने बाहर क्या रख दिया, इसको स्टेबल रख दिया, और टी की पावर -3/2, इस तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा टी की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c, इस तरीके से यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन. और वही टी की पावर जो -4 है, तो इसका मतलब टी की पावर -4, तो एक्स की पावर एन की तरफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बस यहाँ पर हम टी को फाइनली क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, वो अपना क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा. बस इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है टी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4.
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है कि फाइनली इसके अंदर इंटीग्रेशन करना कैसे। तो हमने जो तरीका सीखा है वो क्या सीखा है कि क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों के अंदर, हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, जितनी डिग्री है वो क्या कर लेंगे, जो भी फैक्टर उसकी पावर वगैरह दे रखी है एक्सपोनेंट वगैरह, तो उससे क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे और रिमेनिंग जो अंदर जो फंक्शन बचेगा उसको फाइनली टी से सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ऐसा करने से जो बाहर जो बची हुई जो जो फंक्शन बचा हुआ है वो बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर हम और एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। देखो सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो इसके अंदर हम इस तरीके से नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स एक्स क्यूब रूट ऑफ 2x रेस टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2x रेस टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके के देखो ये सेम क्वेश्चन है, जो प्रीवियस हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वही ये जो क्वेश्चन है आईआईटी के अंदर मिला हुआ है ना, आईआईटी लेटेस्ट जो क्वेश्चन है विद इन 5 ईयर के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आया था। बस तरीका वही था अपने लेक्चर नोट्स का, क्या करना था इसके अंदर, देखो यहाँ पर जो इसके अंदर जो फंक्शन है इसके अंदर हाईएस्ट पावर, इस वाली जो फंक्शन है जो रूट के अंदर दे रखा है इसके अंदर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, वो क्या कर लेंगे रूट से हम बाहर ले आएंगे, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ये डी एक्स अपनी जगह ऐसे कैसे अपॉन एक्स क्यूब, तो था ही मैंने क्या कर दिया हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 4 मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो एक्स की पावर 4 जैसे ही रूट से बाहर आएगी तो रूट से कुछ एक्स स्क्वायर जैसा बाहर मिलेगा और अंदर जो होगा रूट ऑफ, अंदर जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर बचेगा 2 माइनस, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो यानी कि एक्स की पावर 4 बाहर खींचा, तो इसका मतलब ज़बरदस्ती 2 पावर इससे हमने क्या ले ली थी एक्स्ट्रा, तो वो हमने प्रोवाइड कर दी, और फिर प्लस इससे हमने 4 पावर एक्स्ट्रा ले ली ज़बरदस्ती कॉमन लिया, तो इसका मतलब एक्स की पावर 4 मैंने वापस इसको क्या कर दिया सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट तरीका नेक्स्ट वही, इसके अंदर इस वाले फंक्शन को वापस हम क्या करेंगे टी से सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने इस फंक्शन को टी से सब्सटीट्यूट किया 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4 इक्वल्स टू टी, जैसे ही मैंने इसको टी से सब्सटीट्यूट किया वापस में, आज मैं इसका वापस डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ, तो 2 ये तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 2 यानी कि माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इसी तरह से ये भी एक्स की पावर जो 4 है वो ऊपर जाएगा तो माइनस 4 पावर मिलेगा, इसका मतलब ये भी आज प्लस यहाँ पर मिलने वाला है माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 यानी कि माइनस 4 एक्स की पावर क्या मिल जाएगी एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो ये भी आज एक्स की पावर 5 जैसा मिलने वाला था, और फाइनली एक्स का जो हो गया यहाँ पे डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये माइनस 4, तो माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो माइनस 4 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू दी पावर 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया डी टी। अब देखो देखते हैं कि ये वाला जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन था हमने क्या कर दिया, इसको जैसे ही इस फंक्शन से सब्सटीट्यूट किया यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसको जैसे ही सब्सटीट्यूट किया, अब हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, देखो नेक्स्ट वाला फंक्शन बचता है कि नहीं बचता, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इस इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ इसको सेपरेटली लिया, यानी कि इस वाले फंक्शन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स की पावर 3 और साथ में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल ये एक्स की पावर 5 जैसा बनने वाला है, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर के साथ इसको मैंने अलग से सेपरेट दिया तो ऊपर जो मिलेगा वो 1 अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, साथ ही साथ माइनस 1 के साथ मैंने इसको अलग लिया तो यहाँ पर ही जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो कुछ माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 जैसा मिलने वाला है इंटू यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डी एक्स और अपॉन के अंदर जो है वो कुछ रूट ऑफ इस तरीके का फंक्शन था रूट ऑफ इस तरीके से 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मिलने वाला है 2 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस
वन अपॉन एक्स की पावर फोर। ठीक है, इस तरीके से मैंने बिल्कुल इसको लिख लिया। अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने इसका जैसे डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने क्या कर दिया था, इसको टी मान लिया था। तो जैसे ही मैंने इसको टी माना तो बेसिकली देखो इसके साथ हुआ क्या था, तो मैंने इसके इंटीग्रेशन के अंदर मैंने क्या कर दिया था, इसको टी मान लिया था। तो यहां पर अपॉन के अंदर तो क्या मिल गया, रूट टी, यानी कि अपॉन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली, रूट टी। अब जैसे ही मैंने टी माना तो जो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होना चाहिए, ऊपर वाला फंक्शन। तो देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन मतलब यहां पर कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन प्लस, और यहां पर प्लस वाली क्वांटिटी प्लस फोर। हाँ देखो यहां पर मैंने प्लस फोर कॉमन ले लिया, यहां पर मैंने क्या ले लिया, प्लस फोर कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, माइनस, है ना। यहां पर जो वैल्यू मिल जाएगी वो कुछ माइनस जैसी मिल जाएगी, है ना, माइनस, बिल्कुल, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो बनेगा ही। तो इसका मतलब देखो यहां पर 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx, इसकी जगह पर मैं dt by 4 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो इसका मतलब मैंने यहां पर लिख दिया dt by 4, मैंने इसकी जगह लिख दिया dt by 4, तो इसका मतलब ये हो गया 1 by 4, तो dt by 4 इस तरीके से। तो देखो कंप्लीट ये आईआईटी का क्वेश्चन था, देखो इसके अंदर हमने बिल्कुल इस तरीके से अप्रोच किया क्वेश्चन को, सेम तरीका एक छोटे क्वेश्चन से उठाया हुआ वही सेम मेथड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मिलने वाला है 1 बाई फोर तो अपनी जगह सेफ है 1 बाई फोर, फिर मैंने क्या किया, रूट टी, रूट टी जो ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई टू। तो इसका मतलब x की पावर माइनस 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई टू प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यहां पर t, यहां पर हमने देखो वेरिएबल्स के अंदर मिस्टेक मत करना, ठीक है, ये सारी बातें किसके साथ हो रही है, टी की पावर में। तो इसका मतलब फाइनली इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन, ये अपना फाइनल आंसर है, जिसके अंदर वही बात है कि आज भी इसके अंदर जो टी की वैल्यू है वो वही रहने वाली जो हमने स्टार्टिंग में सब्सटीट्यूट की थी, टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4। तो ये वाली वैल्यू है इसके अंदर टी की वैल्यू, इसके अंदर क्या कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो देखो बहुत ही इजी अप्रोच है, ये अप्रोच हमें क्या करनी है, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सीखनी है कि हमें सर किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन बस इसी तरीके से दिखेगा कि इस तरीके से हमें क्या करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर एक्स की मैक्सिमम पावर चुरा लो और अंदर वाले फंक्शन को टी मान लो, बाहर वाला क्या बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट, और इसके अंदर और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ, इस तरीके से हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। हमने क्या कर दिया इसके अंदर, इस तरीके के क्वेश्चन हमने लिए हैं कि हमने माना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब इंटीग्रेशन के अंदर देखो डिफरेंशिएशन, देखो कंप्लीट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम इसको डिफरेंशिएशन को क्या कर देते, इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट कर देते, बट वही है एक सिंगल फंक्शन के साथ इसको दे रखा है कि डी ऑफ साइन एक्स, मतलब यहां पर एक सिंगल फंक्शन है यहां पर साइन एक्स, इसका बेसिकली ऊपर क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, ये पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम वही बात इसके अंदर लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का वापस क्या हो गया, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बस वही बात है। आज साइन एक्स को वापस हम क्या करने वाले, टी सब्सटीट्यूट कर लेने वाले हैं, तो साइन एक्स का वही आज क्या बनने वाला है, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू dt। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये cos x dx तो dt के साथ चला गया, तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां पर मिल गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का मतलब ये हो गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुआ करता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसका मतलब आज भी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ होगा tan इनवर्स x अपॉन a, और x अपने आप में क्या है, साइन x। तो इसका मतलब इसको मैंने लिख दिया साइन x प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, बस वही है आगे क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो अपना यहाँ तक ये आंसर बिल्कुल क्लियरली, तो बहुत देखो एक सिंपल अप्रोच थी, बस तरीका था कि अगर डिफरेंशिएशन के साथ कोई फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम आगे फर्दर अपना जो भी है प्रोसीजर है उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम इसके साथ एक और क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्या ले लिया मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू को अगर मैं टी सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये टू एक्स डी एक्स जो भी है वो डी टी के साथ चला जाएगा। तो इसका मतलब इफ़ आई एम पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू टी, इसको अगर मैंने लेट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन आज टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, डी टी बनने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया, टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डी टी। तो टू एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, यहाँ पर जो क्वान्टिटी मिल गई वो क्या मिल गई, रूट टी। और रूट टी का तो बस वही बात है, क्या कर दूँ, ये ऊपर चला जाएगा फंक्शन रूट टी, यानी कि टी की पावर माइनस वन बाई टू। तो इसका मतलब टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, बस ये वाला आंसर हो गया। इसके अंदर बस टी को क्या सब्सटीट्यूट करना है, टी इक्वल्स टू जो हमने लेट किया था, टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। इसके अंदर बस टी की जगह क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, टी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम और क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक तरीका सिखा के जाता है, बस हमें उस तरीके के ऊपर फोकस करना है ना। क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बहुत सारे बनते हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हम एक और जेई की अप्रोच हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि आईआईटी के अंदर इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो एक और हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, थोड़ा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को करने से पहले देखो हमें वही फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में एक बार जरा सोचें, क्योंकि अभी हम सब्सटीट्यूशन मेथड बस वही एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर भी आज भी वही कुछ होने वाला है कि मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले रूट के अंदर मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल कॉस एक्स मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉस एक्स कॉमन लिया तो अंदर जो मिला वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने कॉस एक्स कॉमन लिया तो क्या मिला, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय अपॉन में जो रहा है वो रहा है वन माइनस कॉस क्यूब एक्स। देखो कॉस क्यूब एक्स है तो कॉस क्यूब एक्स के साथ में छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी हमें पता नहीं कि वन माइनस कॉस क्यूब का ऐसा कुछ फॉर्मूला भी बनता है ना, जरूरत के अकॉर्डिंग इसको यूज में लेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ, आज कुछ ऐसा मिलने वाला है, अगर मैंने रूट को कम्प्लीटली सेपरेटली ऊपर नीचे वाले फंक्शन को डिवाइड किया, क्योंकि ये जो रूट था वो कम्प्लीट फंक्शन के ऊपर था तो मैंने अलग अलग सेपरेट किया। तो देखो ये कॉस एक्स को जब रूट मिलेगा तो ये हो जाएगा कॉस की पावर वन बाई टू इंटू एक्स। देखो और यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स मिलने वाला है, तो उसके बाद जो रूट होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हुआ। अब देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है वो कुछ कॉस की पावर वन बाई टू इंटू एक्स और साइन एक्स जैसा दे रखा है, इसका मतलब देखो इस वाले फंक्शन को मैं थोड़ा सा मैन्यूपुलेट करके लिखूंगा। मैन्यूपुलेट करके कैसे, कि इसको मेरे पास लिखने का कुछ तरीका ऐसा होगा जिससे क्या होगा कि ऊपर वाला फंक्शन जो ये ऊपर जो लिखा हुआ है जो फंक्शन है वो उसका क्या बन जाए, डिफरेंशिएशन बन जाए। तो इस डिफरेंशिएशन बनाने के लिए मैंने देखो रूट तो यहाँ से ऊपर तो भगा दिया मैंने रूट को, और अपॉन में जो रूट रहा है उसके अंदर जो मैंने कुछ ऐसा लिखा वन माइनस कॉस, देखो यहाँ पर मेरे पास जो लिखने का तरीका होगा वह मैं कुछ ऐसे लिखूँगा थ्री बाई टू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा कि मुझे पता है कि जैसे ही मैंने इस फंक्शन को लिखा आज मैं सब्सटीट्यूशन करने वाला हूँ, सब्सटीट्यूशन से मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर कॉस की पावर थ्री बाई टू एक्स को आज मैं टी लेट करने वाला हूँ।
तो जैसे ही मैंने इसको टी लेट किया, तो टी के अंदर देखो जैसे ही मैंने इसको टी, तो फिर फाइनली क्या करते हैं, जिस फंक्शन को टी लेट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 3/2 कॉस की पावर 3/2 माइनस 1, तो 1/2 x, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहां पर माइनस साइन एक्स हो गया, और साथ ही साथ डी एक्स, एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डी टी। देखो अपना काम इजीली बन गया, कॉस की पावर 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पर मैं इसको उधर भेज दिया, तो 2 dt/-3 ऐसा कुछ लिख सकता हूं। तो इसका मतलब इसकी जगह पर मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, 2/3 का साथ ही साथ डी टी, और अपॉन में मिला √1 - t². तो देखो 1/√1 - x², यानी कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन √a² - x², जो रहा करता है वो कुछ साइन इनवर्स जैसा रहा करता है। तो इसका मतलब -2/3 तो अपनी जगह सेफ है, और इसकी जगह पर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन इनवर्स t प्लस c t। वही बात है, वैसे तो अपना फाइनल आंसर यही है, बस साथ ही साथ ये ज़रूरी बता देते हैं कि जो t की वैल्यू आज भी रहने वाली है वो t की वैल्यू आज भी रहेगी cos की पावर 3/2 x, है ना, ये t है, और आज भी हम इसको t, देखो क्वेश्चन की शुरुआत x से की थी तो ख़त्म भी हम x पे ही करेंगे, इसका दी एंड भी x पर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इस t की जगह पर जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे cos की पावर 3/2 x, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर दिया करेंगे। तो रही बात, देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर भी, कि हमने क्या किया कि फंक्शन का जो फंक्शन था और फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, फंक्शन भी क्लियर नहीं दिख रहा था बट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर दिख रहा था ऊपर, कि यानी कि ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मूला बनने वाला है। तो हमने वही एक बार ट्राई किया और बिल्कुल सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम और भी एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी टेक्निक्स हमें लगानी पड़ेगी, कुछ अच्छा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के अंदर 1 + 2 tan x ब्रैकेट ऑफ tan x + sec x होल रेज टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स। देखो इस तरीके से यहाँ पर हमें पता चला कि हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल सीधा सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 tan x ब्रैकेट tan x + sec x ब्रैकेट बंद, और इसकी होल कंप्लीट होल फंक्शन की पावर, यहाँ से यहाँ कंप्लीट होल फंक्शन की पावर कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। तो इसका मतलब इसके अंदर अब हमें क्या करना है, देखो हम कुछ तरीका लगाते हैं कि पावर 1/2 है तो हम सोचते हैं कि क्या पता अंदर वाला फंक्शन किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वही बात, शुरू किया हमने इसको सॉल्व करना, तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1 + एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो गया 2 tan² x + ये हो गया 2 tan x इंटू sec x की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो देखो यहां पर ये वाली क्वांटिटी, देखो ये वाली चीज हमें बताएगा कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर a² + b² बस हमें ढूंढना है, 2ab हमें पता है कि 2 tan x और क्या है, sec x है। तो देखो यहां पर मैं इस tan² x को मैं अलग अलग लिख देता हूं, tan² x और दूसरा भी क्या है, tan² x, tan² + tan² क्या हो गया, 2 tan² बट ऐसा करने से क्या हो गया, 1 + tan² x sec² x बन गया, यानी sec² x + tan² x + 2 tan x sec x जो बन गया अपना वो कुछ ऐसा बन गया, sec x + tan x का बन गया अपने पास होल स्क्वायर, और हमें पता है इस होल स्क्वायर की जो पावर दे रखी है वो कुछ 1/2 जैसी है इंटू डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पावर देखो sec x + tan x ऐसा कुछ है, तो 2 से 2 फाइनली क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यहां से यहां तक हमने क्या कर दी, वैल्यू कैंसल आउट कर दी। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx + इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है। sec x का इंटीग्रेशन बस वही बात है, हमने डिराइव भी किया था sec x का इंटीग्रेशन log sec x + tan x,
sec x का log sec x plus tan x, साथ ही साथ जो tan x का इंटीग्रेशन होता है वो कुछ होता है log of sec x। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत ही एक इजी तरीका था, बस हमने क्या किया, पावर 1/2 को 1/2 के ऊपर फोकस किया और हमने सोचा कि क्या पता पावर 1/2 है तो अंदर वाला फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वही परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्या कर दिया, इसको आगे कंटिन्यू किया। चलिए नेक्स्ट, इसी के बिहाफ पे एक और हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan 2x और tan 3x, tan 2x है ना, tan x, tan 2x और tan 3x। देखो ये चीज़, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चीज़ ऐसी पढ़ी थी हमने कि tan x, tan 2x, tan 3x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ऐसा कुछ रहा करता है। यानी कि tan x यानी कि सभी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से, इसके जो डिफरेंस है ना, यानी कि 3x माइनस tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x जैसा कुछ रहा करता है। इसका मतलब इस कंप्लीट जो टर्म्स लिखी हुई है इसको मैं अगर मैं इससे सब्सटीट्यूट कर लूँ तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन आज जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा होगा, tan ऑफ 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इंटू dx। वही बात है, सबको अलग अलग ले है ना, अलग अलग क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो वही बात, tan x का आज भी इंटीग्रेशन कुछ log sec x जैसा बनेगा, log ऑफ mod sec 3x। और देखो हमें तो tan x का पता है कि log sec x जैसा होता है, बट 3x अपने आप में एक लीनियर फंक्शन है तो इसके डिफरेंशिएशन से अपॉन में क्या कर दो, डिवाइड। तो यहाँ पर अपॉन में कुछ आ गया, ये वाली वैल्यू जो मिल गई अपॉन में वो कितनी मिल गई, 3, और यहाँ पर माइनस ये आ जाएगा log ऑफ mod sec 2x डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ log mod sec x plus c। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमने क्या कर दिया, अलग तीनों फंक्शनों को सेपरेटली कर दिया, और सेपरेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, अलग अलग उन तीनों फंक्शनों को क्या कर दिया, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इस फंक्शनों को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होने के साथ साथ मैंने बताया था कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज, कुछ हाफ एंगल फार्मूलाज, फिसिडी फार्मूलाज, तो वो सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए क्योंकि वो चीज़ें हमें इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमने देखो, अगर ये आइडेंटिटी हमें पता नहीं होती, अगर ये आइडेंटिटी हमें पता नहीं होती तो हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता। बट यहाँ से ये आइडेंटिटी से ऐसा हो गया तो इसका मतलब अपना जो इंटीग्रेशन है वो फर्दर पर्टिकुलर सेक्शंस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो फिर हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड करके फाइनली उसको हमने क्या कर दिया, स्टार्टअप कर दिया कि इस तरीके से होगा। और फिर फाइनली हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो फार्मूलाज थे कि tan x का जो क्या होता है, cot x का क्या होता है, तो इस तरीके से हमने फार्मूला लगा के फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। चलिए नेक्स्ट, हम इसके अंदर एक और हम इसके अंदर क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ साइन क्यूब x साइन ऑफ x प्लस a, इस तरीके से है ना, साइन ऑफ x प्लस a, यहाँ पे a लिख दिया, ठीक है, x प्लस a लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को करने का बस इतना सा ये तरीका है कि बस वही क्या करो, देखो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स बेचारा अकेला पड़ा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स अकेला पड़ा है। सोचो अगर इसको एक साइन एक्स और मिल जाए तो इसका मतलब हो जाएगा साइन की पावर जो 4 बन जाएगा, और 4 को जब तुम बाहर ले आओगे तो कुछ 2 पावर बाहर आ जाएगी। तो इसको एक और पावर प्रोवाइड करवाने के लिए मैंने क्या किया, ये साइन एक्स प्लस ए लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले को मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो अपनी जगह है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, रूट ऑफ है ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा रूट बड़ा बना दिया, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा छोटा बना देते हैं ताकि
यहाँ पर खूबसूरती कायम रहे। तो साइन क्यूब एक्स ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, साइन क्यूब एक्स, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया, तो साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ ए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, और डी एक्स तो अपने पास है ही है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, साइन एक्स को इस ब्रैकेट से क्या कर दिया, बाहर खींच लिया। तो जैसे ही मैंने साइन एक्स को बाहर खींचा तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, देखो साइन एक्स जैसे ही मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर साइन की पावर क्या बन गया, 4x, और साइन की पावर 4x जब रूट से बाहर आती है तो साइन स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर है ना x इंटू डी एक्स, यहाँ पर ऐसा था, और अपॉन, देखो अपॉन में जो रूट रहा है उस रूट के अंदर आज भी जो वैल्यू रहने वाली, साइन तो ऑलरेडी बाहर आ गया है, कॉस ए यानी कि ये एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो गई, फिर प्लस, देखो इसके पास कॉस था, साइन तो था ही नहीं, तो मैंने साइन प्रोवाइड किया, साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो बाहर आ गया, जो डिवीजन में साइन एक्स कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स हो गया, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, ये हो गया कॉट एक्स इंटू साइन ऑफ ए। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। बस नेक्स्ट तरीका अपना वही, क्या करना है, इस वाले फंक्शन को एक बार टी मान के चेक करते हैं, क्योंकि कॉस ए अपने आप में कांस्टेंट फंक्शन है और साइन ए अपने आप में एक कांस्टेंट फंक्शन है, बस रही बात कॉटेक्स, तो कॉटेक्स से हमें पता चलेगा कि हमें पता है कि कॉटेक्स का कुछ डिफरेंशिएशन कुछ कॉसेक स्क्वायर जैसा रहा करता है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको टी मान लिया, तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको टी माना, कॉस ऑफ ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, जैसे ही मैंने इसको टी माना तो टी मानते ही बस वही इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाएगा आज भी, तो कॉस ए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, जीरो, प्लस साइन ए अपने आप में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कॉटेक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, आज भी मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बस वही बात है, साइन ए मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि हमें तो कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स रखना है राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब मैंने इसको ऐसे ही रखा, कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर ये डी टी तो था ही, और ये जो साइन एक्स था माइनस वाला वो यहाँ चला जाएगा साइन ए, और यहाँ पर जो नेगेटिव था वो मैंने उस साइड में प्रोवाइड करवा दिया। इसका मतलब आज मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह में माइनस डी टी अपॉन साइन ए लिखने वाला हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर ही हो गया माइनस ऑफ, यानी कि माइनस ऑफ यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस ऑफ वन अपॉन, ये वाली जो वैल्यू है साइन ए ये तो अपने आप में बाहर ही है, माइनस वन अपॉन साइन ए है ना, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो डी टी बिकॉज कॉन्स्टेंट फंक्शन था इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो गया डी टी, और अपॉन में रूट ऑफ रूट के अंदर जो जिस वाले फंक्शन को मैंने टी लेट किया, तो अंदर वाला जो फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन था कम्प्लीटली वो क्या था, अपने आप में टी था, तो इसको मैंने लिख दिया रूट टी, ठीक है। अब नेक्स्ट वही बात है, माइनस आज भी ये इस तरीके से माइनस वन अपॉन साइन ए, आज भी ये जो फंक्शन था वो कहाँ रहेगा, बाहर, बिकॉज ये कांस्टेंट था, और ये वन अपॉन रूट टी, वही हम देखो वन अपॉन रूट टी, तो आज ये तीसरी बार कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रीवियस दो क्वेश्चनों में भी इस तरह से कुछ रूट टी वाली टर्म बनी थी, तो इसका मतलब वन अपॉन रूट टी जो लिखा हुआ है वो पावर ऊपर जाएगा, तो टी की पावर माइनस वन बाई टू बनेगा, तो वही बात है, टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, ये आज आंसर हो गया इसका, साथ ही साथ टी की वैल्यू जो होगी इसके अंदर, वो टी की वैल्यू यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट कर देना, टी की वैल्यू आज भी रहने वाली है अपनी कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, तो इसके अंदर फाइनली क्या करना है, इसकी जगह टी की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फाइनली फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर आज भी इसका फाइनल आंसर देने वाले हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के फंक्शनों के हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, वही बात कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है, और इस तरह के कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। चलिए थैंक यू सो मच।